दोस्तों, मैं यूं ही अभी बैठा था और हमारे पास जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है, जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हो, वहाँ पे मैंने आप लोगों के कमेंट्स में देख रहा था। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मुझे एक कॉमेंट लगा, जहाँ पे एक भाई साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि साहिल भाई, हमारे पास जो डी डी फ्रीडिस है वो तो चल तो रही है ठीक ठाक, चैनल्स तो उसके चल रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन कुछ ऐसे जो चैनल्स हैं वहाँ पे वीक सिग्नल आ जाता है और उस चैनलों का हम मज़ा नहीं ले पाते। जैसे न्यूज़ वाली कैटेगरी के कुछ चैनल हैं, एबीपी न्यूज़, आज तक हुआ, या और भी कुछ बहुत सारे जो टीवी चैनल हैं उनको ये देख नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का साहिल भाई आप हमें सॉल्यूशन बता दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, डी डी फ्रीडिस की डिश आपकी बराबर सेट भी है तो भी आपके पास वीक सिग्नल की जो ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बड़े अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। बाकी 3 लकी बचे सब्सक्राइबरों को दोस्तों हमारे YouTube चैनल की तरफ से दिया जाएगा डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर, जो कि दोस्तों डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर आप सबको मालूम है कि जो सबसे पहले लाइक और सबसे पहले कमेंट करता है हमारे वीडियोज़ के नीचे, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेते हो, तो दोस्तों आपको मिल सकता है डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर। साथ ही दोस्तों सेटअप बॉक्स का भी हमारे पास गिव अवे चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। तो दोस्तों, अभी जो मैं सब्जेक्ट लेके यहाँ पे बैठा हूँ कि डी डी फ्रीडिस पे वीक सिग्नल, यानी कि किसी भी सैटेलाइट को जब हम चलाते हैं और सेट करते हैं और उसके बाद से कभी रुक रुक के वीक सिग्नल आता है, कभी कभी कुछ और भी प्रॉब्लम आती है, चैनल चला जाता है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है। शुरुआत में जब हम डिश को लगवाते हैं तो डिश तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ डिश और सेटअप बॉक्स बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद से प्रॉब्लम आती है। लेकिन दोस्तों, आप एक मिनट में अपने डिश और सेटअप बॉक्स को नया कर सकते हो, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। सबसे फर्स्ट दोस्तों होता ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे फुटेज के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फुटेज के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि आप सबसे पहले ऊपर छत पे LNB को चेक करें। कभी कभी LNB होती है, कोई बच्चा गया LNB घुमा देता है, किसी भी साइड घुमा देता है, तो उस कंडीशन में ये होता है दोस्तों हमारे पास वीक सिग्नल की प्रॉब्लम आती है। लेकिन दोस्तों, जो प्रॉपर तरीका है LNB का रखने का, वो ऐसे तार वाला हिस्सा इधर को रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने भली भांति समझ लिया। अब हमें दूसरा जो काम ये करना है, अपना जो वायर है, जो हमारा एंटीने का पूरा वायर है, उस वायर को दोस्तों हमें चेक करना है, कहीं से वायर जैसे मुड़ के टूट गया हो, कट गया हो। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा वायर है बराबर हमारी LNB तक सप्लाई नहीं जाता, जिसके कारण हमें वीक सिग्नल मिलता है, या तो उसमें पानी चला गया हो तार में, तो एक में वो होता है शॉर्ट करता है, तो जिसके कारण हमें सिग्नल कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, या बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में हमें पूरे एंटीने के वायर को चेक कर लेना है, या कहीं जोड़ हो तो उसे फिर से काट के फिर से सही तरीके से लगा देना है, जोड़ देना है। जो तीसरी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो LNB के पास जो ये कनेक्टर लगा होता है वो जंग खा गया होता है। तो आप क्या करें, कुछ इस प्रकार से यहाँ से आप इसे खोल लें, ठीक है। खोलने के बाद एंटीने के वायर को 3 उंगली के बराबर काट दें, यहाँ से काट के फिर से आप कनेक्टर लगा दें। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने जो सेटअप बॉक्स में कनेक्टर लगा है वहाँ पर भी 3 उंगली को छोड़ के थोड़ा सा आपको छोड़ना है, क्योंकि ज़्यादा दिन लगे लगे तार कुछ दूरी तक ख़राब हो जाता है, उसमें जंग आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना आप छोड़ दें, या इतना छोड़ें, या इतना छोड़ें, काट के आप फिर कनेक्टर को मिट्टी के तेल से साफ़ करके या पेट्रोल से साफ़ करके फिर से आप लगा दें, टकाटक आपके पास सिग्नल आएगा, अगर एंटीना आपका घूमा नहीं है, इधर उधर नहीं हुआ है। तो ये चीज़ को आप लोगों ने बहुत बारीकी के साथ समझा। अगर आप इतना करते हो, एंटीना अगर एकदम बिल्कुल टाइट है आपका, तो आपको सिग्नल 100% मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। साथ ही और भी बहुत सारे फॉल्ट होते हैं जिनको हम वक्त वक्त पे आप लोगों को बताते रहते हैं। इतना आपको तो करना ही है, इतना कर लेते हो तो आपके पास जो 12, 11, 550, 510 और 470 वाली जो फ्रिक्वेंसियाँ हैं, ये कभी कभी वीक हो जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी अगर आप इतना करते हो। तो दोस्तों, ये तो हमारा ये डिस्क का सेटअप आप लोगों ने देख ही लिया, आपको कैसे क्या
करना है, अपनी LNB को किस प्रकार से सही करना है और अपने वायर को किस प्रकार से सही करना है। हमारे चैनल पे गिवअवे चल रहा है, आप सबको मालूम है, पार्टिसिपेट करो, सबसे पहले लाइक, सबसे पहले कमेंट, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है ये भी आप हमें सजेस्ट करो। हम अगली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेके आ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।